वेलकम टू नंबर 12। आज मेरा अपना सेटअप करने, ये देखो ये भी आ गया। आज मैं सेटअप करने वाला हूँ, कंप्लीट टेबल आ चुकी है मेरी और सब कुछ पीसी वाला ऊपर ही रखा हुआ है। चले बिकी, मैं बोल रहा हूँ ये इन कुत्ता नहीं है, इसके अंदर इंसान है, पूछता नहीं मैं बताता है। ये टेबल एक ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ थर्ड फ्लोर तक लिखा है मैं, और भाई काफ़ी भारी थी बट जिम वाले लॉन्ड है इजी शिट। आज कोशिश रहने वाली है कि ऑलमोस्ट सब कुछ सेटअप हो जाए, इंटरनेट कल तक तो हो जाएगा दो दिन के अंदर। बोर्ड हमने खोला और जो क्या सारा सामान है सबको असेंबल करो बैठ के, ये अलग सिर दर्द दिया। अब देखो ऑलमोस्ट सारा सामान निकाल दिया और कितना सारा सामान है वो एक साथ बनना हो, इतने सारे स्क्रूज कैसे होने वाला है ये। ओके सो अराउंड हमें 20 मिनट लगे और हमने 20 मिनट के अंदर वो बना दिया, मतलब ठीक ठाक बन गया। अब हमें सेम चीज रिपीट करनी है एक और बना के, और बीच में जो तो दिखे ना वो चीज वो उसके ऊपर लगेगा बीच में। देखो ये फाइनल रिजल्ट आएगा बेसिकली। अभी हमने ये नीचे वाला पार्ट बनाया जो ऊपर स्लैब लगेगी, अब फिर ये वाला बनाएंगे और ऊपर तीन स्लैब लगेंगे। पता खुद से बनाने में अलग मजा क्या आता है, जब तुम खुद बना रहे हो तुम उसे बैठोगे तुम हाथ तक करो उसमें काम कर दो, हमने बनाई ये अलग अपन ने बनाई ये। सो आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर द टेबल इज रेडी। देखो एल शेप्ड होने वाली है, यहाँ मेरा सीपीयू रहेगा, यहाँ मेरे दो मॉनिटर कीबोर्ड माउस, यहाँ मेरा उसको और सामान थोड़ा ऑफिस सामान यहाँ पे। आज ये सेटअप की मेहनत काफी है और सारा कल देखेंगे क्योंकि सैटरडे है, सारा सामान ऊपर शिफ्ट करेंगे, मेरा बेड ऊपर आएगा, मेरी चेयर सब कुछ सामान लैपटॉप वगैरह लैपटॉप नीचे रहेगा, मेरे भाई के पास जाएगा मेरा लैपटॉप। बट एज यू नो मैं लैपटॉप क्या करूँगा मैं, बिकॉज आई हैव अ बीस्ट नाउ राइट हेयर, तो हाँ उसको सेटअप करेंगे निकाल लूंगा। पर हाँ नेक्स्ट स्ट्रीम में तो वो उस पर ही करने वाला हूँ मैं स्ट्रीम। विके चलो 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 चलो, इस अच्छा है, खुश हो रहा है, खुश है। ये देखो लॉर्ड विके आ चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं यहाँ पे। विके ये देख क्या है, ये ठीक है, ड्रग्स 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 इन्वेस्टिगेशन कर रहा है विके, क्या चीजें हैं। हाँ अभी हम मेरा कीबोर्ड सीपीयू और मॉनिटर रखने वाले हैं, असेंबल वगैरह करेंगे इनको। ये तो हंस रहा है, खेल गेम खेल लेगा, जीटे खेल लेगा। विके नहीं मारो तेरे, गजी जी खाता रहता है पूरा टाइम, तेरा हंस रहा ऊपर से। कहते ही बड़ी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे गेमिंग होएगी। देखो स्टैंड बना दिया मैंने स्क्रू ड्राइवर के, अब इसके ऊपर मॉनिटर रखूंगा, काइंड ऑफ कुछ सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तेरा गर्मी बहुत लगती है और जमीन ठंडी होती है, कहीं भी लेट जाता है। ये देखा हंसता रहता है। मैं बोर्ड लेने गया था नीचे स्विच बोर्ड, तो ऊपर मेरे बहुत सारा स्विचेस हैं तो इनका बहुत काम आएगा। देखो इसको सब चाहिए, इसको सब चाहिए। देखो ये ऐसा सेटअप और ये ऐसा है, ये बहुत बढ़िया मॉडल लग रहा है। और ये देखो ये RGB फ्लैक्स कर रहा है बिल्कुल मेरे पे, क्या बिल्कुल मेरे पे फ्लैक्सिंग ऑल द टाइम। देखना अब ठीक है, नहीं कर रहा सॉरी। अगर अभी बोलूंगा ना कि बाहर कोई है भौंक के भौंक जाएगा। देखो 3 2 1 खोलो। फेलस 20 बजे की एक्टिंग वैसे। हाँ मैं तो ज्यादा बेटा सेटअप का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और आज बारी है बेड वगैरह ऊपर रखने का, मैं तलवार ऊपर रखने जा रहा हूँ। ओके सो एज यू सी राइट हेयर, ये मेरी चेयर पता नहीं से मैंने यहीं को रखा हुआ है, उधर मेरा कुछ कॉस्टली का सामान ड्राइव वगैरह, ये मेरा माइक, वो मेरा महंगा सा 2 लाख के अराउंड का डब्बा, और ये दोनों मेरी स्क्रीन्स, ये माउस पैड, ये सब वो सब। और मुझे सेटअप हो चुकी हैं, अब लाएंगे हम बेड को और बेड आएगा इस कोने में, इधर बेड रखूँगा, ये सेटअप थोड़ा और उधर होएगा। आज ऐसे मुझे ब्लॉग अपलोड करना चाहिए चैनल के ऊपर, पर पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेड को यहाँ पे हवा दूँ और उसके बाद ब्लॉग कर लूँ, ये बेड पीछे देखेगा माँ में दिखी पीछे तो अच्छा लगेगा ना। सो ये अभी वही करने वाले हैं। जो तुम लोगों ने अभी भी क्लिप देखी वो थी संडे की और आज है मंडे, और बैकग्राउंड देखो पर्दे लग चुके हैं, मतलब मेरा सेटअप 90% नहीं बस 25% कंप्लीट हुआ है अभी जाके। देखो ये चीजें और वॉल पे थोड़ी वो चीजें कंप्लीट हो चुकी है, मेरा बेड भी आ चुका कंप्लीटली, जिसको लाने में अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लगे भाई, अलग अलग करके लाया सब कुछ, और यहाँ पे थोड़ा कुछ सामान आ चुका है। अभी तो सब कुछ दिखाने वाला हूँ, पर मैं 25% क्यों बोल रहा हूँ कि देखो वॉल सारी सारी अभी एम्प्टी है, जो आसिया क्लॉक है यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मेरे सारा का सारा सामान आ रहा है, मेरे शीशा भी आएगा मिरर, तो मैं कॉस्टली देखने वाला हूँ मैं कैसा रहा हूँ। पर ये बिल्कुल सही टाइम है तुमको अपना सेटअप दिखाने का, काइंड ऑफ एक उताकू का सेटअप, और हम शुरू करेंगे पर्दे के साथ। मेरे यहाँ पे पर्दा लगा दिया, यहाँ पे भी लग चुका और यहाँ पे भी लगेगा। अभी पर्दे मेन क्यों है, क्योंकि उनसे वॉइस दबने वाले ताकि मेरी वॉइस ज्यादा बाहर ना जाए, तुम्हें पता है मैं क्या बोलता हूँ वीडियो के अंदर। इनके बाद सेकंड चीज जो मुझे दिखानी है तुम लोग को वो है ये छोटी सी चीज। देखो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 90% चीजें रख दी जो मैं ऑन करता हूँ, चाहे वो मांग
हो, चाहे वो बुक्स हो जो मैंने खुद से बनाई है कुछ तो, और चाहे मेरा कॉस्टली का सामान वगैरह हो, मेरे पास आइटम है, मेरे कोई कपड़े नहीं है यहाँ पे। जैसे कि माशा उसी ग्लासेज, ये मेरे मैं अपना अपना रोल प्ले करता हूँ, वो वाले ग्लासेज, ये गोजो ग्लासेज, ये मादरे ग्लासेज, ये फेक सो का नोट मजे के लिए, एक आकाशीय ग्लासेज उसका मास्क, और ये छोटे छोटे मैंने बहुत पहले खरीदे थे तुम लोगों को याद होगा। अभी मैंने टेम्परेली इसके ऊपर रखा हुआ चेंज करो कपड़ा भी, और ये हमारा नारुतो का हेडबैंड। अब देखो एक मेन चीज, नारुतो की मांगा है तो उसके सामने उस मादरा का पैम्पलेट टाइप ऑफ कुछ है जिन्हें गान पड़ी है, और ये क्या है, अच्छा कांची का वो है, ठीक है कांची का है। वन पीस की मांगा है तो सांजी की सिगरेट, जोरो की इयर रिंग, ये पांच सारे हमारे स्ट्रॉ हैट और काइडो। सेम ऐसे चेंसो मैन के लिए, चेंसो मैन की मांगा है ओरिजिनल मांगा फ्रॉम फाइनल वैली, उसका पैम्पलेट और दो कोकोशिबो उसके इयर रिंग्स, मतलब उसके तांजरो की इयर रिंग्स। ये चेंसो मैन की एक और मांगा है, ये हमारे जीरा सेंसे का उनकी बुक जिन्होंने लिखी है, जो उनका हेडबैंड, ये पीपी बुक जो मैंने बहुत कम यूज करे पर अब यूज करूंगा, ये एरन का लॉकेट, और ये डेथ नोट की काइंड ऑफ टाइप एक लाइटर जो कि जलता है, जलता नहीं पता नहीं, जला 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 एक बार जला एक बार जला। और वन पीस की मांग के ऊपर कुछ और भी है, ये कौन स्पेशली दिखाने के लिए बनाया गया, और जो मैं चेंज करने वाला हूँ इसको मैं काइंड ऑफ उसके पीछे रखने वाला हूँ वहाँ पे कहीं। और आगे चलते तो हमारे पास ये हुक है जहाँ मैंने अपने कुछ टी शर्ट अपना टांगा, जो मुजानी कैप है वो टांगी है मैंने, और यहाँ मेरी लाइट भी रखी हुई है। आगे चलते वन ऑफ द बेस्ट पार्ट पे जो की है मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ आराम से फैली हुई है, मेरी चादर जिसके अंदर माँ की माँ को लेकर सोता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मेन चैनल का सिल्वर प्ले बटन और सेकंड चैनल का ये बहुत जल्दी आने वाला है वैसे, और उसके ऊपर हमारे कांच की लाइट जो मैंने जैसे भी जलाई है, और इचो की बान का है जो कि बहुत सेक्सी है, सेटअप में बहुत अच्छा लुक देती है। ये वाला भी खाली है पर यहाँ पे मैं वो इताची वाला पर्दा लगाऊंगा जस्ट इधर, बहुत बड़े लगेगा इसके ऊपर, हाँ कितना सही लगेगा तुम खुद बताओ। इसके बाद राइट साइड में मेरा आकाशीय क्लॉक, जोरो का वांटेड पोस्टर, इचिगो और मेरा प्यारा इताची। मेरे पास कॉस्प्ले आइटम और भी है, जैसे कि नारुतो का सेटअप है पूरा, अपर लोअर ड्रैगन बॉल का है, गोजो का है, काकाशी का है, इतादोरी का भी है, पर मैंने यहाँ पे लगाने रखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इनकम्प्लीट है वॉल्स अभी, उनको भरने वाला हूँ मेरे कॉस्प्ले से मैं। पर अब आगे चलते हैं हमारे मेन सेटअप के ऊपर। मेरा मेन सेटअप कुछ ऐसा दिखता है, और वो रहा बीस्ट, मैंने लाइट्स बंद कर दिया तो पिछले कितना बढ़िया लग रहा है कांच का लोगो, और हमें करने वाला हमने सीपीयू को ऑन देना, कितना सेक्सी लग रहा है, RGB के नशे। साथ में हमारा मॉनिटर भी ऑन होएंगे दोनों, और कीबोर्ड भी जो कि अभी ऑफ पड़ा, ऑन हो जल्दी से, हो गया ऑन, अरे वाह, इसके भी RGB नशे, इसमें भी RGB नशे, और मॉनिटर भी दोनों ऑन हो रहे हैं। मेरे पास दो डुअल मॉनिटर सेटअप है, ये दोनों ऑन हो चुके हैं, वो खुद ही डिफॉल्ट बैकग्राउंड, और ये भी ऑन होएगा रेड कलर, यस मैंने इसको स्पेशली रेड और ब्लैक थीम में करा है क्योंकि मेरा रेड ब्लैक थीम ही है, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, तो बहुत सही लगेगा ये, और इस पे वॉल पेपर भी वो भी इताची का जो कि रेड ब्लैक है बहुत सेक्सी लगेगा। तो देखो कुछ फाइनल सेटअप ऐसा लगे, स्क्रीन सेवर चल रहा है पता नहीं इसमें क्यों नहीं आता, पर उसमें आता है, कीबोर्ड अपना फुल RGB, ये भी अपना वो सेक्सी वो सेक्सी, वो मेरा ऑफिस का काम चल रहा है वो चलता रहता है, और वो अलग ही डिमोनिक वाइब देता है मुझे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा माइक जहाँ में लटका रखे हैं तीन चीज़ें, एक इताची की मांगे को शारिंगम जो कि घूमती है, एक ये इकाची का काइंड ऑफ कीचेन, और गोगो कीचेन जो मेटालिक है और बहुत सेक्सी है। और हाँ तुम लोग याद हो मुझे वो गिफ्ट के अंदर मिला था, मैंने ब्लॉग के अंदर बताया था, लटकाया नहीं मैंने अभी कहीं पर, यहाँ रखा हुआ लटकाऊंगा जरूर, बहुत सी चीज़ें, मेरे पास घड़ी भी नहीं है तो मैं इससे टाइम देता हूँ कभी कभी, और तो हाँ टाइम देखने के लिए हाँ भी देख सकता हूँ मैं टाइम तो वैसे। तो मीजिए था मेरा प्यारा छोटा सा सेटअप टूर जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर काफ़ी कुछ मैंने बिल्ड कर दिया, मतलब मैंने और भाई ने करा, घर वालों ने सब नहीं करा मदद तो यार, पर हाँ सबसे ज़्यादा काम करने में मेहनत लगी वो है इस बेड को फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर लाने में, और इस पूरी चेयर को बनाने में। अब ये चेयर बनाने में लिटरली 2 घंटे लगे थे, और उससे ज़्यादा हमें बेड को लगा क्योंकि बेड पूरा खोला 2-3 बार, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, फिर जाके ऊपर आई। सो मिस वीडियो, इतनी थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। वीडियो खत्म नहीं हुई, और मेरे हाथ में चुन्नी है, मैं बताता हूँ, इट्स अराउंड 2, मैं नीचे सोने जाने वाला हूँ, सारा काम हो गया, सब बंद कर दिया, और मैं ये चुन्नी स्पेशली लेके आया हूँ ताकि मैं नीचे जाने से पहले ये चुन्नी इस पर ढक सकूँ। देखो मैं वो इंसान हूँ जो सामान का बहुत ख्याल रखता है, और ये इसका रखना पड़ेगा, ये काफ़ी महंगी चीज़ है, इसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए, वैसे तो ओपन होता है, तो इसके लिए मैं जब भी नहीं जाता उसमें चुन्नी डल के आता हूँ, क्योंकि डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, तुम गेट बंद रखो तभी आ जाता है डस्ट पार्टिकल्स। जो मेरा कीबोर्ड है ना इसके ऊपर भी डस्ट आ चुके हैं, इसके ऊपर भी बाल आ चुके हैं, और मैंने इस रूम के अंदर वीगो अलाउ भी नहीं करा लाना, सही में इस फ्लोर के ऊपर 2 रूम है, मैंने वीगो लेके आना है उस रूम में लेकर, इस रूम में आना भी नहीं चाहिए वो, क्योंकि इस रूम में मैंने बहुत भाई मैं बहुत रिश्ते ला रखा है इस रूम के अंदर, कि इस रूम में कोई धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस रूम के अंदर ये चीज़ है। हाँ मैं अपने सामान की इतनी केयर करता हूँ, पर मैं अभी अपनी प्यारी दुल्हनिया को ये चुन्नी उड़ाता हूँ। घूंघट पूरा नीचे तक होना चाहिए, और जब मैं कल सुबह आऊंगा तब मैंने यहाँ पे एक कपड़ा रखा हुआ है, उससे मैं रोज आके सबसे पहले अपना सेटअप क्लीन करता हूँ क्योंकि धूल मिट्टी ना उड़े, उसके बाद चुन्नी हटाता हूँ। एंड नेवर शैम्पू एंड द ब्लॉग, थैंक्स फॉर वाचिंग होमीज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, बाय बाय।